फ्रेश 200 का रिव्यू तो हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, इसके फीचर्स बता चुके हैं, इसमें क्या क्या खासियत है वो बता चुके हैं, लाइव वीडियो टेस्ट कर चुके हैं। आज जो हम बताने वाले हैं वो है इसका डेमोस्ट्रेशन, मतलब आज हम करेंगे 200D का ट्यूटोरियल, मतलब आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या फीचर हैं, कैसे कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या बटन्स का यूज़ है। तो अंत तक हमारा ये वीडियो देखते रहिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 World, जिसमें आज हम ट्यूटोरियल करेंगे, डेमोस्ट्रेशन देंगे आपको कैनन के 200D का, जो कि बिगिनर एंट्री लेवल सीरीज़ का कैनन का सबसे बेहतरीन मॉडल है। 24 मेगापिक्सल के साथ ये कैमरा आता है, ISO भी इसका काफ़ी अच्छा है, 100 से लेकर 25,600 तक का ISO है, 9 ऑटो फोकस पॉइंट है, फुल HD विद 60p, इसमें मूवी रिकॉर्डिंग है ड्यूल ऑटो फोकस के साथ में, जो कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को काफ़ी अच्छा बनाता है, और 5 फ्रेम पर सेकंड की कंटिन्यू शूटिंग स्पीड है, वेरी एंगल है, टच स्क्रीन है, तो आप किसी भी एंगल से मूव करके टच कर सकते हो। तो अब हम इसका डेमोस्ट्रेशन करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसकी बैटरी है LPE17 बैटरी है, इसका मॉडल नंबर है, जो कि पर चार्जिंग पे जैसा कि पहले हमने बताया था लगभग 600 से 700 शॉट का बैटरी बैकअप इसका देती है। ये जस्ट नीचे लगेगी, यहाँ से बस इसको खोलना है आपको, ठीक है, यहाँ से ऑन हो जाएगा ये। अब कार्ड भी इसके साइड में लगता है, बिल्कुल बराबर में ये कार्ड है, जो 16GB का फ्री आता है, आप 128GB तक इसमें लगा सकते हो इजीली। तो ये इसका कार्ड है, यहाँ पे आपके ट्राइपोड लग जाएगा, जो ट्राइपोड का ये पॉइंट है। अब बात करते हैं आगे, तो ये देखिए ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 3 ऑप्शन है, ऑफ, ऑन और मूवी रिकॉर्डिंग, ये ऑन और ये मूवी का, तो मूवी के लिए अलग से है। और ये अब पहले हम बात करते हैं स्टिल की, तो आपने जैसे कैमरा अभी ऑन कर लिया है, स्क्रीन ऑन हो जाएगा, ये लाइव व्यू का बटन है, यहाँ से आप इसका लाइव व्यू ऑन कर सकते हैं, मतलब आपको अगर स्क्रीन पे देखना है तो, और अगर वापस व्यू फाइंडर पे जाना है तो अब ये व्यू फाइंडर पे चला गया है। अब ये कैप्चर बटन है, इसको 2 बार प्रेस करना पड़ता है, पहले हाफ प्रेस पे फोकस होगा, फुल प्रेस पे कैप्चर होगा, जैसे कि ये इमेज हमने कैप्चर करी है, ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हैं बिल्कुल। ये लाइव व्यू पे कर दिया है मैंने, अब लाइव व्यू पे भी आप कैप्चर करना चाहें तो आप कैप्चर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए लाइव व्यू पे मैंने एक और इमेज कैप्चर करी है। अब टच स्क्रीन भी है, तो टच से जहाँ चाहें आप वहाँ फोकस भी कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ टच दिया हुआ है इसमें। अब ये है प्ले का बटन, जो ये मेरा थंब है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये प्ले का बटन है, ये हमने जो इमेज कैप्चर करी वो है। इस इमेज को जूम करके देखना है तो यहाँ पे प्लस माइनस के 2 बटन्स दिए हुए हैं, इनसे भी आप कर सकते हो, टच स्क्रीन है तो टच से भी आप जैसे मोबाइल में जूम करते हो वैसे आप दोनों उंगली पकड़ के जूम करा सकते हो। ये डिलीट का बटन है, अरेस्ट लिखा हुआ है, ये एज डिलीट आप यहाँ से कर सकते हो इस इमेज को। तो ये देखिए मैंने डिलीट कर दी है एक इमेज, तो ये डिलीट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है इजीली। बहुत ही सिंपल यूज़ है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आप एक एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो एक बार में आपको पूरा ये इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, अब हम जाते हैं मूवी रिकॉर्डिंग की तरफ। तो देखिए आगे मैंने मूवी के ऑप्शन पे कर दिया है, और ये मूवी जो लाइव मोड है, अगर मूवी पे इसको आप दबाएंगे तो यहाँ पे मूवी स्टार्ट हो जाएगी लाइव मोड पे। फोटो में तो लाइव मोड करने का काम आता है, यहाँ पे मूवी के काम में आएगा, मूवी में जहाँ चाहें आप वहाँ फोकस कर सकते हैं टच करके, मूवी रिकॉर्ड होते समय भी आप जिस भी सब्जेक्ट पे चाहें उस पे फोकस भी कर सकते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से। मूवी बंद करनी हो तो वापस यही वाला बटन दबाना है आपको, तो बंद होके और आपके कैमरे में ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाती है। तो मूवी भी करना बिल्कुल आसान है, ऑटो पे रख के या प्रोग्राम मोड पे कर लीजिए आप, और जहाँ पे आपको फोकस करना है वहाँ पे बस टच करना है और ये ऑटोमेटिकली फोकस कर लेता है, और जहाँ आप पर्टिकुलर चाहते हो वहाँ पे भी आप फोकस करवा सकते हो इसको। तो ये बिल्कुल ईजिली है। ये इसका इन्फो का बटन था, अब मेन्यू बटन है, इन्फो में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन आपको हटानी हो तो मेन्यू में, कुछ और सेटिंग्स आपको एक्स्ट्रा सेट करनी है तो सारी सेटिंग्स आपको मेन्यू में मिल जाएगी आपको। अब बात करते हैं लेंस कैसे चेंज करना है, वही सेम सारे कैमरों में सेम होता है। देखिए एक बॉडी में वाइट डॉट है और एक लेंस में वाइट डॉट है, वाइट डॉट से वाइट डॉट आपको आमने सामने रखना है, फिक्स करना है और रोटेट करना है,
क्लॉकवाइज इसमें लॉक होता है, निकॉन से जस्ट उल्टा है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, और प्रेस करके आपको वापस एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। ये देखिए आप, ये क्लॉकवाइज तो ये फिक्स हो गया। ये इसका जूम है, ये यहाँ जहाँ से पॉइंट रहेगा वहाँ से जूम स्टार्ट होगा, 18 से स्टार्ट होके 55 तक जाएगा। ये देखिए जितना mm कम रहेगा उतना ही जूम कम रहेगा, जितना mm ज़्यादा रहेगा जूम ज़्यादा रहेगा। ये ऑटो फोकस मैनुअल फोकस है। ऑटो फोकस पे तो क्या होता है, जब आप आगे की तरफ रखते हो ऑटो फोकस की तरफ तो कैमरा ऑटोमेटिकली फोकस करता है, और पीछे की तरफ आप कर दोगे मैनुअल फोकस पे तो ये रिंग घुमा के आपको सब्जेक्ट को फिर फोकस करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फोकस नहीं होगा क्योंकि आपने अभी मैनुअल फोकस सेट कर रखा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ये इमेज स्टेबलाइजेशन है, इसको आपको हमेशा ऑन ही रखना है। ऑफ कब करना है, तब आप जब आप ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हों तब आप ऑफ कर लीजिए, मतलब आपका कैमरा बिल्कुल स्टेबल है, कोई मूवमेंट नहीं है तो आप ऑफ कर लीजिए, वरना आप अगर हाथ से फोटोग्राफी कर रहे हो तो हमेशा आपका इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन ही रहना चाहिए। ये फ्लैश का बटन है, फ्लैश ऑटो पे तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होगा, लेकिन आप प्रोग्राम मोड शटर अपाचर मैनुअल पे आप खुद चाहें तो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो अब देखिए मैं फ्लैश ऑन कर रहा हूँ इसका, ये ऑन हो गया है। तो ऑटो में ऑटोमेटिकली ऑन होता है, और आप जब मैनुअल कंट्रोल कर रहे हो तो आपके पास कमांड होता है कि आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये वाईफाई का बटन है, इसको आपको दबाना है, और जो कैमरा कैनन कैमरा कनेक्ट के नाम से एप्लीकेशन आती है आपको मोबाइल में इंस्टॉल करनी है, उसके बाद में इससे डायरेक्टली आप अपने स्मार्टफोन में इसकी फ़ोटोज ले सकते हो ईजीली तरीके से। आप आगे बढ़ते हैं, ये इसका व्यू फाइंडर है। जब आप अगर आपको लाइव मोड पे व्यू नहीं करना है तो आप व्यू फाइंडर पे यहाँ से देख के भी शूटिंग कर सकते हो, ये ज़्यादा ईजी होता है, बैटरी कम कंज्यूम करता है कैमरा। अब बात करते हैं इसके मोड्स की। तो ग्रीन वाला है जो वाइट पॉइंट के सामने, ये ग्रीन है ऑटो मोड। ऑटो मोड पे क्या होता है, जो भी आपके सामने की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट सेटिंग है वो आपको कैमरा ऑटोमेटिकली दे देता है, बस आपको अपने अकॉर्डिंग जूम कम ज़्यादा करना होता है और कैप्चर करना होता है तो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर देगा। ये ऑटो फ्लैश ऑफ मोड है आगे वाला। इसमें क्या होता है, बाकी आपकी सारी चीज़ें ऑटो पे ही वर्क करेगी, बस आपका कैमरा फ्लैश फायर नहीं करेगा। मतलब ऐसे एरियाज में जहाँ पे आपको फ्लैश की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑटो फ्लैश ऑफ मोड पे कर सकते हो। फिर क्रिएटिव ऑटो आता है। क्रिएटिव ऑटो में जैसे अलग अलग टाइप के कलर इफेक्ट, जैसे कि आप सामने की इमेज में देख सकते हैं इस टाइप के इफेक्ट कर सकते हो क्रिएटिव ऑटो में। तो आपने देखा क्रिएटिव फिल्टर्स, ये देखिए एक इमेज कैप्चर करके मैं दिखा रहा हूँ। क्रिएटिव फिल्टर में थोड़े कलर वेरिएशन चेंजेस होते रहते हैं, इसमें अलग अलग कलर वेरिएशन आपके चेंज होते रहेंगे। तो जैसा आप देख सकते हो मोनोक्रोम करना है, सेपिया करना है, या विविड कलर में करना है, ऐसे ही अलग अलग टाइप के आप इमेजेस इसमें ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं सीन्स की तरफ। तो जैसे कि सारे ही मोबाइल हो, कैमरा हो, निकॉन कैनन, सारे में ही बहुत सारे सीन मोड आते हैं, पोर्ट्रेट, स्पोर्ट मोड, फूड्स मोड, क्लोजअप मोड, ऐसे ही अलग अलग टाइप के, नाइट पोर्ट्रेट, बहुत सारे टाइप के मोड्स आते हैं। किड्स हो गया, स्पोर्ट हो गया, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं काफ़ी सारे मोड्स हैं, वो आपको सारे ही मोड्स इस कैमरे में मिल जाएंगे, जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग या आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उनको सेट कर सकते हो। फिर क्रिएटिव फिल्टर्स भी हैं, अलग अलग टाइप की सिचुएशन के लिए अलग अलग टाइप के आपको फिल्टर्स दिए हुए हैं जिनमें आप अलग अलग टाइप की क्रिएटिविटी कर सकते हो। फिर लास्ट चीज़ आती है आपके मैनुअल कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल में ऑटो में तो सारी चीज़ें कैमरा खुद कंट्रोल करता है, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, लेकिन मैनुअल में ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। कहाँ से करनी पड़ती है बता देता हूँ। ये जो रिंग मैं जो घुमा रहा हूँ यहाँ से आपके देखिए शटर स्पीड कंट्रोल होगा। अपर्चर कंट्रोल करने के लिए AV बटन है, इसको आपको दबा के रखना है, एक्सपोजर का बटन, और फिर इस रिंग को घुमाएंगे, ये देखिए तब आपका अपर्चर कंट्रोल हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। ISO के लिए ये ISO का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे मेरी उंगली, ये देखिए ISO का, इसको दबाना है आपको। तो यहाँ पे फिर आपको ये आगे पीछे वाला बटन है, इससे ISO आप कम ज़्यादा जो आप रखना चाहें वो आप कर सकते हैं, ईजिली है बिल्कुल। तो यहाँ से आपके ISO कंट्रोल हो जाएगा, ऐसे ही आप तीनों सेटिंग कर सकते हो। ये वाला बटन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, ये आपका व्यू फाइंडर का आई लेवल सेट करने के लिए काम आता है, कि आपके अगर चश्मा वगैरह चढ़ा हुआ है
तो उस नंबर के हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हो, तो चश्मा वगैरह लगाने की डायरेक्ट जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा यहाँ से। तो ये आई लेवल सेट करने के लिए काम आता है। और ये लुकिंग है, काफ़ी छोटा सा कैमरा है, वेट भी ज़्यादा नहीं है, 450 ग्राम वेट है, कॉम्पैक्ट है, HDM लेंस के साथ में आता है, तो काफ़ी स्मूथ और शार्प वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको